नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित विधायकों के साथ 3 दिवसीय बजट पूर्व परामर्श बैठक के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बजट पूर्व विधायकों के साथ विचार विमर्श बैठक का आयोजन करने की हरियाणा ने एक नई पहल की है और आशा है कि अन्य राज्य इसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी का संकल्प है कि हम समक्ष बनकर प्रदेश की प्रगति करेंगे और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। 8 जनवरी से प्री बजट बैठकों की शुरुआत की गई थी, आज यह विधायकों के साथ अंतिम बैठक थी। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस बैठक के 6 सत्रों में जितने भी सुझाव आए उनमें से अधिकतम को बजट में समावेश किया जाएगा और विभागों के बजट के सारांश संकलित कर आज से ही बजट बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, 3 दिन का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला और वैसे तो सभी विधायक विधानसभा में एकत्र होते हैं। विधानसभा में देखा जाता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन से ही लोग बात करते हैं सभी विधायक, वहाँ वाद विवाद ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ 3 दिन में ऐसा ध्यान में आया कि उन सब अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित में सब लोगों ने अपने सुझाव दिए। यहाँ वाद विवाद न होकर के यहाँ चर्चा हुई है और उस चर्चा में अच्छे सार्थक, जिसको कहना चाहिए, चर्चा होने के बाद एक मत बना है कि प्रदेश को हमने आगे बढ़ाना है। तो उसमें बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं, बजट में खर्चे के सुझाव भी दिए हैं और साथ में रेवेन्यू बढ़ाने के सुझाव भी आए हैं। तो रेवेन्यू बढ़ेगा तभी खर्चा बढ़ेगा, इसलिए एक अच्छा बजट, जनता का बजट ये बने उस नाते से मैं समझता हूँ हमारी ये पहल है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि ये जो कार्यक्रम है ये देश भर में किसी और विधानसभा में नहीं हुआ है, हमने इसमें पहल की है। और लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष आए थे उनको जो हमने बताया उन्होंने भी बहुत इसको पसंद किया था और एक प्रकार से उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम आप करेंगे, सफलता कितनी मिलेगी उसी हिसाब से बाकी प्रदेश भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा हमको लगता है कि 3 दिन का सफल प्रयोग हमारा ये हुआ। 35 से लेकर और 50 तक अलग अलग समय में आए हैं, तो हम लगा देख सकते हैं कि लगभग 250 सुझाव हुए होंगे।